ट्विटर के चक्कर में एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी बुरे फंस गए हैं। एक ट्वीट के बाद वे नारी शक्ति के अपमान के आरोपों से घिर गए हैं। जीतू ट्विटर पर ट्रोल होने लगे तो भाजपा ने मुद्दा लपक लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पटवारी को आड़े हाथों लिया है, जिसके बाद जीतू पटवारी ट्वीट पर सफाई देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के बड़बोले नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गईं। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। इसके बाद तो उन्हें बेटी विरोधी बताने की बाढ़ सी आ गई। उनसे ट्वीट डिलीट करने की मांग उठने लगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मारिया शकील के ट्वीट को रीट्वीट किया। मारिया ने महिलाओं के सम्मान की नसीहत के साथ जीतू पटवारी को आईना दिखाया कि आपकी पार्टी की अध्यक्ष एक महिला है और इस तरह की टिप्पणी की हम कड़ी निंदा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर कहा कि मैडम सोनिया गांधी, आपको जवाब देना होगा। कांग्रेस की यही विकृत मानसिकता है जिसने नैना साहनी को टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में जलवाया। सरला मिश्रा और प्रीति श्रीवास्तव की मौत का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि कांग्रेस कब तक बेटियों का अपमान करती रहेगी। सीएम शिवराज सिंह ने याद दिलाया कि मैडम सोनिया गांधी, ट्वीट करने वाला नेता वही है जो आपके बेटे को मोटरसाइकिल पर घुमाता है। इस नेता को ऐसे कृत्य के लिए पार्टी से बाहर करो या देश की जनता से माफी मांगो। ये ट्वीट करना देश की आधी आबादी का अपमान है। क्या अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? मैडम सोनिया गांधी, आपको जवाब देना होगा। क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है जिसने नैना साहनी को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलवाया? क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है जिसने सरला मिश्रा को जिंदा जलवा के तड़पा तड़पा कर मारा? क्या यह वही कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जिसने प्रीति श्रीवास्तव जैसी बेटी को गाड़ी से बांध के घसीटवाया और जान ले ली? कब तक कांग्रेस बेटियों को अपमानित करती रहेगी? और ये नेता वही है जो मैडम सोनिया गांधी, आपके बेटे को मोटरसाइकिल पर घुमाता है? ये वही नेता जो कहता है पार्टी तेल लेने जाए तो जाए? अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो, नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। ट्विटर पर नारी शक्ति विरोधी करार दिए जाने के 2 घंटे बाद ही जीतू पटवारी को अपनी चूक का एहसास हुआ। उन्होंने सफाई देने के अंदाज में लिखा कि जहां तक बेटियों की बात है तो वे देवी तुल्य हैं। विकास की अपेक्षा के साथ मैंने एक ट्वीट किया है जिसे भाजपा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही है। मैं अब भी कह रहा हूं कि विकास का पूरे देश को इंतजार है। इस सफाई के बाद उन पर हमला और तेज हो गया। अब उनसे माफी मांगने की मांग उठने लगी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखन न्यूज।